सीता की मधुर रसोई में आपका स्वागत है। चलिए हम आज नई रेसिपी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, मैं आज साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और महाशिवरात्रि आने वाले हैं, उनके लिए व्रत जो महाशिव के भक्त हैं उनके लिए मैं साबूदाना के फलाहार बनाने जा रही हूँ। दो बटाटा मैं छोटा छोटा मीडियम साइज का काट के धो ली हूँ, और डेढ़ कप ये कटोरी से डेढ़ कप साबूदाना भिगाई हूँ। रात को भिगा करके रख दी थी और इसका पानी निकाल ली हूँ। और ये पौना कटोरी ये सिंगदाना है, हरी मिर्ची, कड़े पत्ता और ये शक्कर है। अभी मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। सिंगदाना को मैंने गरबरा पीस ली हूँ। एक से दो चम्मच घी डाल दे रही हूँ और बटाटा डाल दे रही हूँ। अभी हमारा बटाटा सॉफ्ट हो गया है, देखिए सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ा कड़े पत्ता डालती हूँ, पांच छह, और तीन चार हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को काट ली हूँ लंबा लंबा और उसके ऊपर मिला देती हूँ। फिर 2 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। देखिए हमारा बटाटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं अभी इसमें साबूदाना डालती हूँ, थोड़ा सा मिला देती हूँ। नमक डाल देती हूँ। ये नमक मेरा सेधा नमक है, क्योंकि उपास का नमक है ये। फिर 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। साबूदाना की खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। उपास में आप लोग खाइए और खिलाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।